गंगई कोंडा, ट्रेन तो यहाँ पर नहीं रुकती है, फिर क्यों रुक गई? पता नहीं। ये बहुत ही ब्यूटीफुल और लकी अंगूठी है, इसे खो मत देना। तुम्हारे पिताजी ने यही एक सोने की चीज दी है, संभाल के रखो, खो मत देना इसे। हाँ बोल भाई, बिना नाम पता जाने चले आए क्या? पता ही नहीं कर पाया यार, तो क्या करेगा अब? तू कुछ सोचा? शांत रह, कुछ भी पता करने के लायक तू है क्या? अरे अरे अरे, लड़के को डिस्करेज क्यों कर रहे हो? एनकरेज किया करो ना। हाँ तो बोलो। सलीम? अर्जुन सर। अनारकली को ढूंढ रहे हो ना, तो तुम्हारा नाम सलीम हुआ है? कौन ये जो ये कह रहा है कि तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं कर पाओगे? आप शगुन की बात कर रहा है ये? वो मिस होगी तो आप सब क्यों होते हो? ढूंढो, उसे ढूंढो, जब तक नहीं मिलती तब तक ढूंढते रहो। ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता, फिर वो तो लड़की है। नो दे, छाड़ रहे हो? कौन हो तुम? सुंदर मूर्ति, मेरे गांव में मैं बहुत फेमस हूँ और यहाँ काम से आया हूँ। यहाँ सासू माँ का घर है ना, तो सोच रहा हूँ यहीं सेटल हो जाऊँ। फ्री का खाने वाला है इसीलिए इतना बोल रहा है। अरे सुनो, यहाँ पे ताश खेलने वाला अड्डा कहाँ है? ढूंढो ढूंढो, जब तक ना मिल जाए ढूंढते रहो। ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं। ये डायलॉग तो मेरा है। तेरा ना मेरा, 65 रुपए निकाल। ये लो पैसे और बाकी 5 चिप रख लेना। अरे ये तो सिर्फ 60 रुपए है। ये तो होना ही था। पता नहीं कब आता है कब जाता है। लो मैं आ गया। सासू माँ, आप मेरी ही तारीफ कर रही थी ना, मत कीजिए, नजर लग जाएगी। लगे तो सही। इसमें मेरी क्या गलती है? सारे लोग बेईमान है, कोई मुझे उधार नहीं देता, और जो देता है वो फिर वापस मांग लेता है, इसलिए और कोई चारा नहीं था। सासू माँ, पता है मैं आपके पास क्यों आया? आप उधार तो देती नहीं है, दे दिया तो मांगती नहीं है। और मांगती भी है तो मैं नहीं देता। बातें बनाना जानते हो, बेटी शादी के लायक हो गई है। मेरी बेटी राजकुमारी है, इसे लेने कोई राजकुमारी आएगा देखना। इस शहर को अपने नाम करके मैं यही शादी करवाऊंगा। मैं तो शहर शहर बीनता हूँ, ये देखो आपकी बेटी क्या बीन रही है, कंकड़। चल चल। हे भगवान। हार्ट की रानी, डायमंड का राजा, स्पेड का जैकी, हार्ट का 10। एक जोकर होता तो मजा ही आ जाता, लेकिन जोकर तो मैं बन गया ना। ये लो मेरे 24। मेरे 45। मेरा 12। ए, दूसरा पत्ता कहाँ है? घर पर है। मजाक करता है, चल चल पत्ते रख। ए, यहाँ बेमानी की ना तो तेरे गर्दन पर जो गमछा लटक रहा है ना, उसी से तुझे लटका दूंगा। ठीक है, पत्ते बांटो, अगले की मैं बराबर कर दूंगा। पहले हमें पैसे चाहिए। बैंक होकर आता हूं। बैंक में डकैती डालेगा, बिना पैसे दिए यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। क्या रे, मुझे डरा रहा है? मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, ले चेक कर ले, देख क्या हुआ, मारेगा? हा? ले मार, मार ना, मार मार। ले खेल। तुम्हारी तारीफ। देवा भाई का आदमी है। देवा का आदमी मुझे पैसे क्यों दे रहा है? कुछ तो चक्कर है। नहीं रहने दो। खेलना। आप नहीं खेलोगे? लग साथ नहीं देता। वो तो मेरा भी नहीं देता, लेकिन खेले बिना कैसे रह सकता हूँ मैं? दीजिए, अभी जीत कर देता हूँ। वो बाद में देखेंगे, खेलने के बाद पास के बार में पहुंच जाना। ठीक है, बांटो रे। अरे रे, क्या बात है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये घर थोड़ी है, महल लग रहा है ये तो। क्या हुआ? कुत्तों से डर लगता है। अरे कुत्तों से क्या डरना, क्या करूं, बचपन से ऐसा हूँ। यहाँ तो नोटों का ढेर लगा हुआ है। भाई आ रहे हैं। भाई ये सुंदर मूर्ति है, मेरा खास दोस्त, आपसे कुछ मदद चाहता है भाई। डरो मत, पहली मुलाकात में ही तुमसे खून का रिश्ता बन गया है, ये तो अच्छी बात है ना। मेरा नाम सुंदर मूर्ति है, बिजनेस करता हूँ, लेकिन जो भी बिजनेस करता हूँ ना वो घाटे में चला जाता है। ए, ज्यादा बकवास मत कर, पैसे की बात कर। वो मैं ये कह रहा था कि मुझे कुछ उधार चाहिए। चाचा जी। मैं जहां भी जाता हूँ कोई ना कोई विलन मिल ही जाता है। बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, ये बात सिर्फ सुनी थी, आज देख भी लिया मैंने। आपके पैर अगर मेरे घर पे पड़े तो उधार हो जाएगा। आप मेरे घर पे भोजन करने आएंगे तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। देवा तुम्हारे घर पर खाना खाने आएगा, बेकार की बात मत कर, दूरों की बात कर। रुकिए, प्यार से बुला रहा है, मैं जरूर आऊंगा। ए, तेरी अंगूठी कहाँ गई? गुम हो गई पिताजी। गुम कर दी? सोने की अंगूठी थी, ऐसे बोली जैसे कुछ नहीं हुआ। अरे अनजाने में गुम हो गई, मेरी बेटी के 10 तोले सोने को जुए में बेच खाया, अब आधे तोले सोने के लिए इतना गुस्सा कर रहे हो?
नानी, थैंक्स। सर, सोचने का काम नहीं है। सुंदर मूर्ति जी, किस्मत का दरवाजा एक ही बार खुलता है। किस्मत आपके पास चलकर आई है। अब सिमरन हीरोइन बनी थी तो उनकी माँ जी बेंस कार में घूमती है। मनीषा हीरोइन बनी उनकी थी तो माँ भी बेंस कार में घूमती है। उनकी माँ भी बेंस कार में घूम रही है। सबकी माँ घूम रही है, बाप कार में नहीं घूम रहे हैं क्या? वो भी घूमेंगे। हाँ मूर्ति जी, आप भी करके देखो। सच्ची? मेरा विश्वास कीजिए, आपकी बेटी टॉप की हीरोइन बनेगी। हाँ, बेंस कार होगी। हाँ? घर, बंगला, बैंक बैलेंस, नौकर चाकर, पैसा ही पैसा होगा करोड़ों में। ऐसा होगा मेरे पास? सिगरेट लीजिए। ट्रिपल फाइव नहीं है क्या? डायरेक्टर साहब मान गए तो। रेडी पे। पिताजी कहाँ पर? ये तुम्हारे पिताजी हैं। अरे पहले बोला चाहिए था ना। ये सब लोग इसको छुपा यहाँ। चलो चलो। अरे सलीम, अरे वो ऑटो आ रहा है, उसमें बैठा के भेज दे। अरे इसका बाप तो इधर ही आ रहा है। रुक जा रुक जा रुक जा। अरे भाई रुक 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 जाओ। आइए सर। हेलो, आप सब लोग एक साथ यहाँ कैसे? अड्डा बदल दिया है क्या? अड्डा नहीं बदल दिया है, हम तो तुम्हारे लिए आए थे कि यहाँ बैठ के तुम्हारे साथ ताश खेलेंगे। मजाक उड़ा रहे हो, मैं ताश खेलने नहीं आया हूँ, मैं घर पर जा रहा था। ये तो गाड़ी खराब हो गई, मुझे अपनी बेटी से बहुत जरूरी बात करनी है आज। तो थोड़ी देर पहले ही आ जाते ना। क्या कहा? कुछ नहीं, थोड़ी देर पहले आते तो बैठ के कप चाय पी लेते। अरे सलीम, तुझे अनारकली मिली क्या? आपके आशीर्वाद से मिल गई। तब तो रोज गार्डन और मूवीज दोनों साथ साथ देखने जाते होंगे ना। आज भी घूम ही रहा था लेकिन अचानक एक काला सांड बीच में आ गया। अच्छा तो शादी कब है? आपके ही हाँ का इंतजार। क्या? है लड़की के पिताजी कहेंगे तभी शादी होगी ना। अरे जब लड़की राजी है तो दिक्कत क्या है, उसे लेके भाग जाओ। आप तो बहुत महान है। अरे सलीम, ये मेरी गाड़ी खराब हो गई। देख लो आपकी गाड़ी खराब हो गई, ध्यान से स्टार्ट करना। हम सब तेरे साथ हैं। तो मेरी बेटी की अंगूठी गुम नहीं हुई थी, वो जानबूझकर खोकर आई है। मेरी बेटी के पास भी ठीक इस तरह की अंगूठी थी, वो गुम हो गई। ये तो लेडीज अंगूठी है, जेंट्स पे अच्छी नहीं लगती। ला उतार के ले ना। मोहब्बत का मामला। सलीम ध्यान रखना, अनारकली के पिता को पता चल जाएगा तो कहीं हाथ पैर ना तोड़ दे। उससे पहले उसकी गर्दन अलग हो जाएगी। इस सलीम की अनारकली मेरी बेटी है, अब उसे फिल्म में काम करने के लिए कैसे मनाऊं, वो नहीं मानने वाली है। पर मैं भी उसका बाप हूँ।